मन्नम रसुरा। जय बोलो आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। जय बोलो शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। जय बोलो पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधींदवा सायना। ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुक्ता से पाठका साधवा सुत्यायोग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि आश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु। आहारा भय भय सत साधान दत्तावदानानाम खंडित फुटुदीर्ण जिन चैत्यालोदारण दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरण शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र रसास्वादन मदोत्कर मदगत समावरणानाम निज कुल कमल विकास नहीं महातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लें। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी एवं आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक राजधानी दिल्ली से आपको देखने को प्राप्त हो रहा है और महाशांत धारा होती है, जिसमें जिन भव्यात्माओं के, जिन महाभक्त परिवारों के नाम शांति धारा के लिए प्राप्त होते हैं, उन सभी के नाम जो महाशांति धारा के लिए अपने नाम देते हैं, उन सभी के नाम शांति धारा में लिए जाते हैं और उन्हें खूब लाभ प्राप्त होता है। जिस भावना से जो भी महान भाव शांति धारा अपने परिवार की ओर से कराते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि ये भगवान का आश्रय होता है, संतों का आश्रय होता है। तो अब हम लोग प्रारंभ करते हैं भगवान का जिनाभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जयनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु फुफलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वचन निष्के सदरण हो। ओम रीम श्रीम क्लीम मरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्की के डोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुणित रस इक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन से कर्ण रसाय नम हो। ओम रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्की के डोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपामीति स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्टकरीय घृतप्तकारी संताप दूर कर रस से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम रीम श्रीम क्लीम मरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणोत्तम कांतिधारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम हम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धे नपसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तन पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्घिकई धवल मंगल गान नभाव कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीप हुआ बर्फ समी, अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम हम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्घिकई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जो ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करुण वन में। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम रम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य भ्रम स्थित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राजा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घिके दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चंदन मिलेपन ओम रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महिताद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाः मारातिकं तु विभोरोतार्यामित मंगलारती औरणम। उदक चंदन तनु पुष्पकै चरसु दीप सुदुप फुलार्घिके दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधा मुझे नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम हम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई तरस दीप सुदुप फुलार्घिकई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। श्री प्रदीप जी और उनकी धर्मपत्नी, विजय जी उनकी धर्मपत्नी और विनोद जी जैन उत्तम नगर शांति धारा के लिए झारी ले रहे हैं। आज अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा के लिए श्री शेखर चंद जैन, श्रीमती विमला जैन, मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, भारती कॉलोनी प्रीत बिहार विकास मार्ग दिल्ली की ओर से एक प्रतिमा के लिए श्री विनोद जी उत्तम नगर वालों ने नाम दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए, उनके परिवार के लिए भी। यहाँ पर शांत धारा होगी, शांत धारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशाय सर्व परकट शत्रु पद विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशाय ओम राम रीम रूम रोम राश्यौस नमः। गणनी प्रमुख आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्विध संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती चतुर्विध संघस्य संघ संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनिता जैन अस्य जैन, श्रीमती अनिता अनामिका निकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत व्यादि निवासित परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, पौत्र अक्षय जैन, नंदिनी जैन, टीएम मुरादाबाद से परिवार से संघपति श्री जिंदाद जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभदेव पुरम मांगेतुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सरगणस्य। अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा निर्माण के पुण्याजक परिवार श्री शेखर चंद जैन, श्रीमती विमला जैन, श्री मंजी जैन, श्वेता जैन, भारत कॉलोनी प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य। श्री मनीष रोमिला त्विषा झांझरी मुंबई आज के एक दिन के पुण्याजक परिवार सपरिवारस्य। श्री इंद्र कुमार इंदिरा पाटनी अभिषेक श्वेता पाटनी मनोहर थाना झालापाटन निवासी सपरिवारस्य। श्रीमती जैनमती जैन के पुत्र श्री विजय जैन पत्रकार, श्री इंदु पूनम जैन सौरभ जैन तहसील फतेहपुर उत्तर प्रदेश सपरिवारस्य। श्री प्राची जैन स्वास्थ्य लाभार्थ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश सपरिवारस्य। श्री प्रफुल्ल जैन राजिम रायपुर छत्तीसगढ़ सपरिवारस्य। श्री उदयभान जैन स्वास्थ्य लाभार्थ जयपुर राजस्थान सपरिवारस्य। इनसे कहो कि ये आवाज़ बंद करें, अभी न करें काम। प्रतिदिन के शानदारा के पुण्याजक परिवार श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन आशु जैन रुचि जैन इंदौर, श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमर जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायिका आशोष निषाद, श्री रितिका विनायिका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री मुकेश जैन ठेकेदार नासिक, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस अश्मी आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा आराम सरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुना लाल लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश दर्शना बंद नहीं किया, श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हीना माही पुण्या चार बीबी रोहत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोनम वाले पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रणु कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाटोरी परिवार हैदराबाद, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरेमन इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली। ये आवाज़ जो ईट की आदि बंद करवाओ। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्री राजकुमार सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि पणती अस्से पच्चीस नाम का सौरभ सत्सा सरदार सेठी कलकत्ता, श्री अजित अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान, श्री गंधर्व जैन संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्री पारस कुमार विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद, श्री आस्था अर्चित जैन पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती निर्मला जैन श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री अशोक जैन श्रीमती अलका अविरल सोनल जिनेन्द्र अतिथि जैन गणधर दालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ सपरिवारस्य। श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सियान श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री कनकमल निर्मला देवी नागदास श्री हजारी मल्ल गिरिजा देवी महावीर आशा गौरव मयूरी शीतल पीयूष नीलम राहुल कविश ग्रीष्मा लोकांत दिव्यांशी उदयपुर राजस्थान, श्री ललित मीतेश अखिलेश अंकित अग्रवाल परिवार उदयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीसू जैन पुनीत सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर दिल्ली, श्री चक्रेश कुमार श्रीमती कमलेश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ पांडवनगर दिल्ली, श्री ललित कुमार सीए अजित कुमार एडवोकेट पांडवनगर दिल्ली सपरिवारस्य, डॉक्टर सचेन कुमार श्रीमती देवेंद्र कुमारी जैन डॉक्टर विवेक डॉक्टर अंशु जैन प्रणव लवित जैन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, श्रीमती रेखा जैन एसपी जैन नीरज जैन दिव्या जैन मास्टर आरुष जैन सत्ता बिहार दिल्ली। माता श्री चांदतारी की पुण्यतिथि पर श्री हेमचंद धर्मचंद सुरेश चंद जैन हौज खास दिल्ली, श्री संजय श्रीमती रेखा दीवान पुत्र तीर्थेश कुमारी मोक्षा दीवान परिवार सूरत गुजरात निवासी सपरिवार श्री देवेंद्र कुमार दीपेश जैन सूरतमल बिहार दिल्ली श्री विजेंद्र कुमार जैन श्री सुषमा जैन डॉक्टर किंसुकी जैन तेजस जैन केरटर कैलाश दिल्ली श्री सुरेश कुमार मीरा देवी अभिषेक सोनम अंकित संस्कार जैन बेल्ला पश्चिम बंगाल श्री प्रमोद कुमार जैन योगेंद्र जैन कुमारी पुण्या सम्यक जैन रांची झारखंड श्री जीवन पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचिका हार्दिक खुशी पांड्या कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम श्री माणिकचंद बिरजी देवी सुनील राजेंद्र नल्ली जैन जयपुर राजस्थान श्रीमती प्रमला जैन अजय जैन अंशु सचिन हर्षिता जैन मुदी जैन बादशाहपुर श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती मीरा देवी जैन श्री अमित विनीता जैन दर्शील जैन आसाम होटल वाले जयपुर श्री आर के जैन शशि जैन आशीष जैन महक जैन मुनीरका दिल्ली श्री आयुष्मती जी सावित्री देवी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती जी सरोज गोदा लाजवंती रंजना प्रीति भौरी देवी करुणा शांता सुशीला प्रेमलता गोधा मंजू नव्या मोनिका जी जैन ऋषिराज जैन मोबाइल वाले जवाहर नगर जयपुर श्रीमती सोमा प्रद्युम्न राहुल गरिमा सार्थक अस्य जैन कृष्णानगर दिल्ली से परिवार श्री प्रेमचंद सुषमा जैन सुधीर कुमार महक जैन प्रणीत कुमार रिया निधि जैन अशोक बिहार दिल्ली श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला श्री विशाल हंसिका हृदय जैन प्रीति हर्ष कीर्ति राहुल पहाड़िया लुनियावास वाले शिलांग लाडू निवासी अग्रवाल जैन प्रकाश चंद अदित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ कुमार मनोज कुमार कुमारी परिधि जैन सपरिवार मुंबई श्री प्रमोद जैन सुनीता जैन पुत्री शिल्पी के विवाह हेतु मानसरोवर जयपुर राजस्थान श्री सतीश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ सजना मेरठ उत्तर प्रदेश श्रीमती शशि महेश गंगवाल श्री शियोग गंगवाल अजमेर राजस्थान सौ सुमनबाई श्रीपाल चंद जी सौ ममता महावीर सौ रेखा योगेश महिमा सिद्धार्थ समृद्धि अविका बड़जाते परिवार वापी औरंगाबाद श्री श्याम सुंदर शशि प्रभा राजेश संजय जैन धनावत श्री राजेंद्र प्रसाद प्रेमलता धनावत कटक मुंबई श्री सुशीला देवेंद्र बबलादी परिवार सोलापुर श्री ज्योति संतोष कुमार बबलादी परिवार सोलापुर श्री प्रीति महावीर मेहत्रे परिवार सांगली सपरिवार श्री नरेंद्र कुमार धीरज स्वप्निल नमन ललिता हेमा मीनाक्षी देवान जन्मी दोषी सूरत श्री जयेश रमेश लाल जैन श्री जिनेश जयेश पूजा रिद्धि जैन वुडलैंड यूएसए श्रीमती बिमलेश संजय जैन परिवार शिलांग मेघालय सपरिवार श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी खुशाग लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता श्री सुरेश चंद शकुंतला जितेंद्र कुमार सपना संयम लोहाड़िया सौसाक्षी आलोक बचखंडवा श्री पदम कुमार सेठी अभय शिल्पा अक्षय कनिष्का निर्णय बिहार नई दिल्ली श्रीमती भगवती देवी जैन रतन राजेश राकेश जैन खार मुंबई श्री शांतिलाल भगवती देवी जैन लोणदिया भिंडर उदयपुर राजस्थान श्री सोहन देवी मुनावत की स्मृति में डॉक्टर सची हेमंत चित्तौड़ा चिन्मय शिवानी अनयान्या जैन उदयपुर राजस्थान श्रीमती उषा रमेश धनावत श्री अंकित पूजा अक्षत पुनीत सोनम वाची अंगद धनावत स्वास्थ्य एवं व्यापार वृद्धि हेतु कटक उड़ीसा श्री तरुण जैन धामी अंकित धामी परिवार बोरीवली मुंबई श्री रमेश चंद स्नेहलता आयुष जैन मनीष डाली जैन मोहित अर्पिका जैन मोहक रीतिका जैन अपूर्वाजो आस जैन इंदिरानगर लखनऊ सपरिवार श्री राजमल संघवी की 12वीं पुण्यतिथि के निमित्त श्रीमती शकुंतला संघवी श्री अजित मधु संजय नीलम साहिल सालोनी ध्रुव सिमरन संघवी कांदिवली मुंबई गुरु भक्त परिवार श्री जय जोशी मुंबई मुनीषी अतीन सागर जी महाराज की 116वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर इंदरलाल प्रेमलता भास्कर बिंदु तन्वी अलका रंजनी आगस्ट जैन उदयपुर राजस्थान श्री सौ प्रतिभा अभय कासलीवाल कुमारी श्रद्धा कासलीवाल औरंगाबाद श्रीमती मीना सज्जन कुमार जैन अनंत रचित हृदय जैन मुंबई श्री सतीश कुमार अमित कुमार अतुल कुमार जैन रामगंज मंडी श्रीमती कौशल्या जैन पदम जैन दिनेश जैन चिराग दीपान जैन कोटा राजस्थान श्री कौशल कुमार रौनक पलक मुदित महेंद्र कुमार सुशीला जैन जयपुर राजस्थान श्री महेंद्र सुनीता गर्मा जैन परिवार शादरा दिल्ली सपरिवार ब्रह्मचारी चंदनबाला जैन पुत्र सचिन जैन कुंडली दिल्ली सपरिवार सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार सर्वज्ञानावरण कर्म सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वांतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम छिंछिंदी बिनबिंदी 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 सागर नदी जल भयम छिंछिंदी बिनबिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम छिंछिंदी बिनबिंदी आदि बंधन भयम छिंछिंदी बिनबिंदी यान दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिसार वेंट्रेडाक्टी साकिनी आदि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व दाज भयम सर्व चोर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्रोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रहभयम सर्व दुःखम सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महात्मावीर सन्मति वीराट वीर बधमानामलंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावा सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम रीम श्रीम क्लीम वरमाद्या नामाद्या जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे भगवान भरत ज्ञानशीली तीर्थ क्षेत्रे 20 संवत 2547 समय मासोत्तम मासे आशोज मासे कण्ठपक्षे द्वितीया तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्घा श्राव शाकानां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम दुरूप शांति नेभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसाह करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूलेन कुले कदलिघात्मणं घाते घाते आवित्रागे दागे सौख्यम सारे दादे। ओम रीम श्री शांतनाथाय जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पद्मया मस्तको मस्तकोपरि शांताराम चतुर्विसंगस्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति संग चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम पितलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब लोग शांति गुण रहनाथ भगवान की जय। उदय ऋषभदेव भगवान की जय। चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। उदक चंदन तनुल पुष्प कई तरस दीप सुदूप फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में ओम रीम शांति धार आपसे कम करूँ अर्घम निर्वामी स्वाहा। ओम रीम ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान 108 फीट के ऋषभदेव भगवान जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वामी स्वाहा। ओम रीम आचार्य शांति सारक स्मारक सम्मेद शिखर में विराजमान भगवान अजितनाथ की 31 फीट की प्रतिमा एवं भगवान वासुपूज्य की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के भगवान वासुपूज्य की प्रतिमा हस्तिनापुर जम्बूदीप स्थल पर विराजमान जन्मभूमि में भगवान शांतिनाथ कुंशनाथ अरहनाथ की 31 फीट की प्रतिमाएं उन सभी प्रतिमाओं के श्री चरणों में अर्घम निर्पामी स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारू लीजिए दीप धूप श्रीफला दी अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव से वे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकदा। ओम रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्पामी स्वाहा। जल फल वसु सदिये मतार तन मन मोद धरो गुण गाओ बौद्ध तार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतदायक हो। ओम रीम श्री महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्पामी स्वाहा। भरत भगवान का अर्घ चढ़ाइए। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेश जी प्रभु को वंदन है दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है तीर्थ भरत ज्ञान स्थली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम री महाराज देश राजधानी दिल्ली महानगर कनाट प्लेस क्षेत्र से चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान से लीती थे विराजमान भरत भगवान की 31 जी प्रतिमा एरम एवं ह्रीम में विराजमान 24 श्री शंकर भगवंतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिनके रहन साधुमामरे ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रियान सागर अभिनंदन सागर एवं परंपरा के वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। पिछी कमंडलधारी माता नमंत में हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल से जाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम चारी चंद का भारत गौरव गणनी प्रमुख राजधानी दिल्ली में भरत स्वामी की प्रतिमा विराजमान करने की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को प्रेरणा है, आगामी अक्टूबर के महीने में शरद पूर्णिमा महोत्सव आएगा जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 70वां त्याग दिवस एवं 88वां जन्म जयंती दिवस के रूप में हम और आप सभी लोग सानंद भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर मनाएंगे। और इस शुभ अवसर पर जो भी महान भाव पूज्य माता जी जिन्होंने सैकड़ों तीर्थों की वंदना की है, अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार और निर्माण कराया है, विश्व की सबसे ऊंची 108 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कराया है, ऐसे चरण कमलों का प्रक्षाल करने के लिए केवल 88 जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 88,000 रुपये की राशि प्रदान करके और आप ये महान पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य माता जी के साक्षात अथवा परोक्ष से चरण प्रक्षाल का सुअवसर सौभाग्य अपने परिवार को दे सकते हैं। मात्र 88,000 रुपये की राशि इस पुनीत कार्य के लिए छोटी सी राशि रखी गई है। और इसके साथ ही एक अवसर आपको मात्र 5100 रुपये अथवा 8800 रुपये, आप चाहे 8800 रुपये प्रदान करें अथवा 5100 रुपये, एक शास्त्र भेंट करने का अवसर आपको प्राप्त होगा और आपको 3 लाभ प्राप्त होंगे। आपका नाम शरद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल की सभा में लिया जाएगा, 1 लाभ। पूज्य माता जी के करकमलों में शास्त्र भेंट करने का अवसर परोक्ष से अथवा प्रत्यक्ष से 2 लाभ। तीसरा, 88 ग्रंथों का सेट आपको डाक से निःशुल्क आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, आपके नाम की उसमें स्लिप लगा करके, तीसरा लाभ। और चौथा लाभ, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के हस्ताक्षर से आशीर्वाद युक्त एक ग्रंथ पर जो आपके घर में एक धरोहर के रूप में रहेगा, आपकी यादगार के रूप में रहेगा, तो वो ग्रंथ सुरक्षित रखने के लिए पूज्य माता जी के हस्ताक्षर और आशीर्वाद से युक्त ग्रंथ आपको प्रेषित करेंगे हम, तो ये अनेक लाभ आपको प्राप्त होंगे। आप 8800 रुपये की राशि दान राशि अथवा 5100 रुपये की राशि दोनों भक्तों को, चाहे 8800 रुपये आप प्रदान करेंगे अथवा 5100 रुपये, ये तो निमित्त मात्र है राशि कि हम किसको भेजें किसको ना भेजें, इसलिए छोटी सी राशि रखी गई है। और आपको पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद इस शुभ अवसर पर प्राप्त होगा। तो जो नीचे नंबर आपको पट्टी पर दिख रहे हैं, आज वो हो राशि प्रदान करके और अपना नाम लिखवा दीजिए ताकि ये सौभाग्य आपको प्रदान कराया जा सकेगा। आज दोपहर में 3:30 बजे दिव्यावदान समारोह का कार्यक्रम सकल दिगंबर जैन समाज टिकैत नगर सीओ से संपन्न होगा। और आज मध्यान्ह 4 बजे से राजधानी दिल्ली की विधानसभा में क्षमावणी का कार्यक्रम संपन्न होगा 4 बजे से 5:30 बजे तक, तो ये कार्यक्रम भी आपको देखना है। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। भव्यात्माओं, आज भगवान नमीनाथ जो मिथिला नगरी में जन्मे हैं, जिनके चार कल्याणक हुए हैं, ऐसे नवीनाथ भगवान का आज गर्भ कल्याणक दिवस है। मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीम गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री नवीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री नवीनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च आज जो व्रत चल रहे थे एक महीने के, उनकी आज पालना है। मंत्र जप कर ही पालना करेंगे। तो मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीम अरहम प्रवचन वसलत भावनाय नमः। ओम ह्रीम अरहम प्रवचन बदल सुभावनायै नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा श्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा श्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित स्याद्वाद नय गर्भित द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्म 16 कारण भावनाएं और 16 कारण पर्व, आज उसका पारणा दिवस। वर्ष में 3 बार पर्व आता है और 3 प्रतिपदा इसमें आवश्यक हैं, ऐसा आचार्यों ने व्रततिथि निर्णय आदि में स्पष्टीकरण किया हुआ, विद्वानों ने आचार्यों की भाषा में। और ऐसे ही मेघमाला व्रत, ये जो है भाद्रपद में, और ये श्रुतस्कंद व्रत भी भाद्रपद में मात्र आता है। तो आप इन व्रतों को करके और परिणामों की विशुद्धि करके, और कल प्रायः आश्विन कृष्णा प्रतिपदा को सर्वत्र क्षमावणी का यानी 16 कारण पर्व के समापन का महाअभिषेक सायंकाल में हुआ है। सभी जगह प्रायः दिन भर में कहीं भी कोई सुबह कोई मध्याह्न आदि करते हैं, और कहीं कहीं आज भी अभिषेक होंगे। और दिल्ली राजधानी में जैसे मैंने पहले पाया था कि अनेकों जगह लोग क्रम क्रम से रविवार आदि के अपेक्षा को लेकर के अभिषेक का कार्यक्रम रखते रहते हैं। जो भी है, इस बार कोरोना आदि के निमित्त से विशेष प्रभावना न होते हुए भी लोग कार्यक्रम अपना जो है पर्व का वो तो करते ही करते हैं, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने चैत्यालयों में आदि। तो ये पर्व संपन्न हो रहा है, लेकिन ध्यान रखें तीर्थंकर प्रकृति का बंध, जैन शासन की उदारता और विशालता, अनादि निधन पर्व, और अनादिकाल से अनंत अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, होते हैं और होते रहेंगे। हमारे और आप में से ही कोई भी भव्य प्राणी, ये नियम है, चारों गति में से मनुष्य गति में ही, मनुष्य पर्याय में ही पुरुष यानी पुरुष वेदी और भगवान के समोसरण में अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में 16 कारण भावनाओं को भागकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते आए हैं। तो चतुर्थ काल में ही संभव है, पंचम काल में संभव नहीं। फिर भी व्रत क्यों करते हैं, भावनाएं क्यों भाते हैं, पर्व क्यों मनाते हैं, पूजा उत्सव क्यों करते हैं, ये भावनाएं, इनमें 16 में से एक भी भावना, दर्शन प्रसिद्धि आदि कोई भावना हमारे और आपके अंतरंग में अवतरित हो, ये नियम है। दर्शन प्रसिद्धि भावना के हुए बिना, परिणामों की विशुद्धि सम्यक दर्शन की हुए बिना आज तक न तो किन्हीं ने मोक्ष प्राप्त किया, न करेंगे। तो मोक्ष प्राप्त के लिए रत्नत्रय जो है वो प्रमुख है, और उसी में पहली भावना जो है दर्शन विशुद्धि की है। इसलिए ये भावनाएं भाते रहें, ये पुण्यबंध के लिए तो कारण है ही है, और महान साध से पुण्य का संचय कराने वाली तो है ही है, और व्यवहारिक जीवन में भी अपने लिए बहुत ही उपयोगी, और आत्म शांति के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए परस्पर सौहार्द के लिए बहुत ही विशेष है। प्रवचन व सरत भावना जो अंतिम इसमें है, हम और आप उस पर जरा चिंतन करें कि अगर प्रवचन व सरत भावना नहीं रही होती, हमारे साधुगण, मुनिगण अथवा श्रावक चतुर्विध संघ में आपस में स्नेह, वात्सल्य और प्रेम नहीं रखते होते, तो धर्म और धर्मात्मा, धर्मायतनों की रक्षा और धर्मात्माओं की रक्षा संभव ही नहीं थी। इसी के लिए उदाहरण है श्री रामचंद्र वनवास में विचरण करते हुए और कुंथलगिरी में देशभूषण कुलभूषण मुनियों पर जब उपसर्ग हो रहा था, तो उन्होंने निरावाद होकर के और अपनी धनुष की टंकार से दैत्य को ही पराजित किया और उपसर्ग निवारण किया, और दोनों महामुनियों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। वो पवित्र भूमि आज भी वहाँ आचार्य श्री सांसार जी महाराज की प्रेरणा से देशभूषण कुलभूषण की प्रतिमा विराजमान है। मुझे भी सौभाग्य मिला 1 महीना वहाँ रह करके आचार्य श्री के सानिध्य में सन 1955 में उन महामुनियों की आराधना की है, और पुनश्च भी अभी आरिकावस्था में भी उसके दर्शन हुए हैं 1966 में जब सोलापुर का चातुर्मास हुआ है। तो भव्यात्माओं, ऐसे ही श्री विश्व कुमार महामुनि ने अपने प्रवचन बसरत भावना को ही महान मुख्य रूप देते हुए और 700 मुनियों की रक्षा की थी आकर हस्तिनापुर में। बाली मुनि ने धर्मायतनों की रक्षा करने के लिए अपनी रिद्धि का उपयोग किया। तो भव्यात्माओं, अनेकों उदाहरण शास्त्रों में स्पष्ट हैं, और आज भी हम देखते हैं गुरुओं के प्रति वात्सल्य, साधुओं के संग में वात्सल्य, प्रेम, वत्सलता, आपस में वत्सल भावना और ये क्षमावणी पर्व, परस्पर में क्षमा की याचना आदि करना, ये परस्पर के सौहार्द और मैत्री के और प्रेम का वाचक और जन्म जन्म के पापों को, कलुषता को धोने के लिए बहुत बड़ा साधन। कमठ जैसे व्यक्ति ने अकारण ही एक तरफी बैर बांध करके और उपसर्ग किया, जो कि अपने सगे भाई थे मरुभूति। फिर भी अंत में पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग करके, और अनंतर जब उन्हें देवी केवल ज्ञान हुआ है, अहि क्षेत्र जैसा तीर्थ बना है, अहि क्षेत्र में जब केवल ज्ञान हुआ है, धरणेंद्र और पद्मावती ने आकर के उस समय अपना कर्तव्य पूर्ण किया है, अपनी कृतज्ञता का परिचय दिया है कि जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार करके हमें पशु योनि से छुड़ाकर देव योनि को प्राप्त कराया। ऐसे भगवान के उपसर्ग को दूर करके और जब अपने फणा का छत्र फैलाया, आज भी पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं फणा सहित ही आपको चतुर्थकालीन भी उपलब्ध है और पंचमकालीन भी उपलब्ध है। सर्वत्र जहाँ देखेंगे वहाँ, मैंने जहाँ तक पाया है, भगवान पार्श्वनाथ की द्विसहस्राब्दी महोत्सव आदि मनाते समय कि संसार में, भारत में ही नहीं विदेशों में भी सबसे अधिक जैन प्रतिमाओं में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं पाई गई हैं। सबसे अधिक प्रतिमाएं भगवान पार्श्वनाथ की पाई गई, फणा सहित इनके पहचान। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि ये शाश्वत जैन धर्म शाश्वत प्राणी मात्र को मोक्ष मार्ग में पहुंचाने वाला, मोक्ष मार्गी बनाने वाला और मोक्ष तक पहुंचाने वाला धर्म, अहिंसा परमो धर्म और आत्मा का धर्म, चिन्मय ज्योतिस्वर भगवान आत्मा का चिंतन। भगवान आत्मा शरीर से भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आचार्य सांसार महाराज ने अपने अंतिम उपदेश में यही कहा कि भव्यात्मा हो, भले ही 5 मिनट क्यों न हो, 24 घंटे में 5 मिनट के लिए चिंतन करो, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा चिन्मय ज्योतिस्वर भगवान आत्मा है, आत्मा अनंत गुणों का पिंड स्वरूप भगवान आत्मा है, शरीर नश्वर है, जड़ है, अचेतन है। शरीर वांग मना प्राणा पाना पुद्गला नाम, शरीर वचन और श्वासोच्छ्वास आदि के सब पुद्गल के द्वारा रचित है, निर्मित है। ये पुद्गल के उपकार हैं, पौद्गलिक हैं। हमारी आत्मा, भगवान आत्मा, ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा और उसका अनुभव, उसका चिंतन, उसका भेद विज्ञान मनुस्पर्याय में ही संभव है। मनुस्पर्याय के बिना सम्यक दर्शन तो अन्यत्र मिल सकता है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति आदि का बंध नहीं हो सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध और क्षायिक सम्यक्त, इनके लिए केवली और सुतकेवली का पाद मूल ही आवश्यक है और उसके लिए चतुर्थकाल ही आवश्यक है। फिर भी भावनाएं की जाती हैं। आज हम और आप सर्वसम सम्यक को धारण करते हुए भी यही भावना भाते रहें कि हे भगवान, हमारा सम्यक तो ना छूटे, सम्यक तो ना छूटे। गौतम स्वामी ने यही भावना भाने का आदेश और उपदेश दिया है कि हे भगवान, सम्मत मरणम, सम्यक तो पूर्वक ही मेरा शरीर छूटे। सम्मत मरणम समाहि मरणम, समाधि पूर्वक धर्म ध्यान पूर्वक ही हमारा शरीर छूटे। धर्म ध्यान अथवा शुक्ल ध्यान, समाधि मरणम, सम्मत मरणम, समाहि मरणम। दुखक हो, कमक हो, बोहिला हो, दुखों का अक्षय हो, कर्मों का अक्षय हो, बोधि का लाभ हो। बोधि यानी रत्नत्रय की प्राप्ति, बोधि रत्नत्रय की प्राप्ति। रत्नत्रय की प्राप्ति अनादिकाल से दुर्लभ रही है। अगर हमने आपने इसको पाया होता तो आज पंचम काल में नहीं जन्मते। ध्यान रखें, नहीं पाया, यही कारण है। और आज पंचम काल में भी अगर हमने बोधि यानी रत्नत्रय को पाया है, सम्यक दर्शन पाया है, सम्यक ज्ञान पाया है और अपने अनुवृत्ति महावृत्ति जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, कोई महावृत्ति हैं, कोई अनुवृत्ति हैं, और कम से कम आप श्रावक, पाक्षिक श्रावक तो है ही है, अष्टमूल गुण के धारक तो है ही है। इस पवित्र पावन कुल में जन्म लेकर के और तीर्थ और तीर्थों की आराधना करते हुए, तीर्थंकरों की तीर्थों की आराधना करते हुए, तीर्थंकरों से ही तीर्थ बने हैं। तीर्थंकर भगवंतों से ही तीर्थ बनते हैं। तीर्थम करोति तीर्थंकरा। और जो और भी तीर्थ हैं जिन्हें तीर्थंकर से संबंधित नहीं भी हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी आत्मा को भाव तीर्थ से परिणत करके और द्रव्य तीर्थ स्वरूप अपने आप को बना लिया, यानी रत्नत्रय को धारण करके अपनी आत्मा को शुद्ध परमात्मा बनाया है, उन्हीं के तीर्थ हैं। मांगी तुंगी आदि तीर्थ, गजवंथा आदि तीर्थ, सोनागिरा आदि तीर्थ, ये सब तीर्थ है। उन महापुरुषों से ही बने हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को तीर्थ बनाया है। तो भव्यात्माओं, आज हम और आप इन धर्मों की आराधना करते हुए, 16 कांड भावनाओं को, 10 लक्षण धर्म की आराधना करते हुए अपने जीवन को पवित्र किया है, धन्य किया है, सार्थक किया है। और ये भावना सतत भाते रहना ही चाहिए। और कम से कम 5 मिनट क्यों न हो, समोसरण में विराजमान भगवान का ध्यान करें। आज भी शिवंदर भगवान का समोसरण है, भगवान महावीर के समोसरण का ध्यान करें और ये चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का चिंतन करें कि मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है, मेरी आत्मा अजर अमर चिन्मय ज्योति स्वरूप है, अनादि है, अनंत है, शाश्वत है और आज संसारी है, कल नियम से मुक्ति अवस्था को प्राप्त करेगा ही करेगा। इसे हमारा संसार अनादि होते हुए भी शांत है, अंत सहित है। इसी बात का चिंतन करके दृढ़ विश्वास रखें। मैं आपको बताऊं, एक विद्वान ने एक बार, यहीं दिल्ली में ही मैं थी, मुझे सन याद नहीं, लेकिन फिर भी दिल्ली में ही थी, लाल मंदिर में एक विद्वान, बहुत बड़े विद्वान ने कह दिया कि मुझे स्वयं ही पता नहीं कि हमारे कितने भाव बाकी हैं और हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं, हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं। बहुत बड़े विद्वान थे। उसी दिन मेरे पास चर्चा आई और प्रातःकाल मैंने उन विद्वान को बुलाया और मैंने कहा, आप ऐसा शब्द बोलते हैं। बोले, माताजी, मैं स्वयं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा, आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आपको देव सात गुरु पर श्रद्धा है या नहीं? बोले, है। आपके मिथ्यात्व का त्याग है कि नहीं? बोले, है। मैं कभी भी मिथ्यात्व की तरफ नहीं जाता हूँ और देव सास गुरु अपने भगवान और अपने तीर्थ इनकी ही आराधना करता हूँ। तो मैंने कहा आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये विश्वास का नाम ही सम्यक दर्शन है, श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। वो उसी समय हाथ जोड़कर बोले, ठीक है माता जी, आज से मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा, ऐसे मैं अविश्वास का प्रयोग नहीं करूँगा। तो बात यही है कि विश्वास, दृढ़ श्रद्धान, दृढ़ निर्णय, दृढ़ निश्चय अपने आप में आपको होना ही चाहिए। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं व्यापार में सफल होऊंगा कि नहीं, डामाडोल रहेंगे और करेंगे ही नहीं, तो आप कभी भी व्यापार आदि में सफल नहीं हो सकते। कोई भी काम करेंगे आप, सांसारिक कोई भी गार्हस्थ जीवन के कोई भी कार्य करेंगे आप, विश्वास पूर्वक ही करते हैं कि इस कार्य में हमें सफलता मिलेगी, जब भी आप उस कार्य को करते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे ही सच्चे देव सास गुरु के प्रति विश्वास रखते हुए, बीतराग धर्म के प्रति आस्था रखते हुए, भरत चक्रवर्ती जैसे उनके गुणों का चिंतन करते हुए कि जिन्होंने गार्हस्थ जीवन में आती आध्यात्मिक भावनाएं भाई, इस तरह से आत्मा की भावनाएं भाई, आत्मा का चिंतन करते रहे, आत्मा का ध्यान करते रहे, भेद विज्ञान करते रहे, कि जिन्होंने दीक्षा लेते ही उसी क्षण अंतर मुहूर्त के अंदर ही 48 मिनट के भीतर भीतर ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे भरत चक्रवर्ती जिनकी प्रतिमा आपने यहाँ विराजमान करके और जिनका महामस्तकाभिषेक आदि करके, जिनके दर्शन करके आप पुण्य का संचय कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उनके जीवन पर भी चिंतन करें आप, और अपने हृदय में, अपने अंतरंग में दृढ़ विश्वास रखते हुए अपने समय दर्शन को दृढ़ करते रहें और ज्ञान की आराधना करते हुए चारित्र के ओर हमेशा अग्रसर रहें, भावना भाएं कि हमें मुनि बनना ही है, हमें आरिका बनना है, हमें दीक्षा लेना है, ये भावना भाते रहें। इस भाव में नहीं, अगले भाव में सफल हो जाएगी, किसी न किसी भाव में फलीभूत होगी। आज की भावना भाई हुई भावना निश्चित सफल होगी। इसी भावना के साथ 16 कारण पर्व को नमन करते हुए, 16 भावनाओं को नमन करते हुए और 10 लक्षण पर्व और क्षमावणी पर्व को आप विदाई नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखें। आप उसको अपने हृदय में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान कर रहे हैं। इसी भावना के साथ इन पवित्र धर्म को वंदन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, 10 दिन आप लोगों के आचार और विचार से, भावना से और क्रिया से, अंतरंग और बहिरंग से आप लोगों ने जैनी बन के व्यतीत किए। एक टाइम जब भोजन किया होगा, या जिन्होंने रात्रि में भोजन नहीं किया होगा, शाम को पानी पिया होगा, उनको समझ में आया होगा कि दिगंबर साधु पिछीधारियों का जीवन कैसे होता है। और जब उपवास करते हैं उस समय पता होगा कि साधु कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। ये संस्कार, यही भावना आपकी आत्मा को संस्कारित करेगी। महान आत्माओं, मनोदशा को बदलना ही चाहिए और मन के वेग पर अपना विवेक रखना चाहिए। इन 10 दिनों में जो आप लोगों ने किया है, कुछ भी हो, ये आप लोगों को अनुभूति हुई होगी, ये आप लोगों ने फीलिंग की होगी कि हमको जो शांति मिली है, धन से, वैभव से, सुख ये जो मिलते हैं वो बाह्य शांति है। मेंटली रूप से आप लोग कितने फ्री और इजी हुए होंगे। तो इसीलिए अभी क्षमा धर्म कब तक मानना, जीवन के अंत तक। साधु जीवन में भी कहा गया है जब उत्तरार्थ प्रतिकरण होता है, जब अपने जीवन की आलोचना अंत तक करता है। क्षमा भाव हम एक फिल्टर है, फिल्टर। जैसे आपके यहाँ आरओ लगाते ना घर में, वो पानी को फिल्टर करता है, तेल का फिल्टर करते हैं। उसी प्रकार से हमारे क्रियाओं का, हमारे भावों का, हमारे वचनों का, इन धर्मों में और क्षमा वाणी से क्या होता है, हमारी आत्मा फिल्टर होके शुद्ध हो जाती है। 10 दिनों में आपके वो बहुत आनंद आया होगा। मैं आपको कहता हूँ और आनंद लेना होना पूरा, एकदम पीसफुल लाइफ और एकदम शांति चाहिए हो, ऐसी शांति जो राष्ट्रपति को नहीं मिलेगी और अमेरिका के व्हाइट हाउस वाले में नहीं। यदि एकदम शांति चाहिए हो ना तो किसी से नहीं बताना, तो बतला देते, बोलो हाँ। बस मैं ये कहता हूँ, बस महाराज दीक्षा ले लो, आपके जीवन में शांति आ जाती आ जाती। यही मार्ग है, अनादि निधन यही मार्ग है। इसलिए सत्वेषु मैत्रीम गुणीषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। हे भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ, मुझे दे दो। क्या दे दो? सत्वेषु मैत्रीम। प्राणी मात्र के प्रति हमारे मैत्री भाव हो जाए। मैत्री भाव का अर्थ क्या है? सुखी रहें सब जीव जगत के। ये जो भावना है कि सभी जीव सुख शांति से रहें, आनंद से रहें, धर्ममय रहें, ऐसा मैत्री भाव जब प्राणी मात्र के प्रति हमारा हो जाए तो समझ जाना कि आप सम्यक दृष्टि हैं, आप मोक्ष मार्गी हैं, आप मोक्ष मार्ग का अनुसरण और सिद्धांत कर रहे हैं। सत्वेषु मैत्रीम गुणीषु प्रमोदम। जिनमें सद्भावना, सद्गुण, 10 धर्म, सम्यक्त आदि गुण ऐसे हैं। गुण किसे कहते हैं? जो आत्मा में रहते हैं। गुण और गुणी का संबंध है। उनके प्रति प्रमोद। प्रमोद क्या है? गुण ग्रहण का भाव रखूं मैं। मेरी भावना में पढ़ते ना आप, ये मेरी भावना जुगल किशोर की है। यदि अपनी भावना हो जाएगी तो आप भगवान बन जाएंगे। ज्ञानवानों में, गुणवानों में, धर्मात्माओं में प्रमोद है। माता जी से अपन सबको क्या है? प्रमोद है। आपको एक बेटे को अपने माता पिता से क्या होता? प्रमोद, क्योंकि उनके गुण अधिक हैं। ऐसे के प्रति ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। ये तत्वार सूत्र में भी 6वें अध्याय का 12वां सूत्र में भी सुभास्त्रव की ये भावना भाने को कहा गया है, प्रमोदित हो जाना। जैसे एक माँ अपने बेटे को देख के प्रमोदित होती है, जैसे एक दुकानदार ग्राहक को देख के आपको लाभ हो जाता है, एक स्टूडेंट का अच्छा परसेंटेज आता, डिग्री मिल जाता है, ऐसे आप भगवान को देख करके, गुरु को देख करके, तीर्थों पर, सम्मेद शिखर पे जाके यदि आप प्रमोदित हो जाते हैं। यहाँ कल्पद्रुम आराधना किया, यानी कि अंतरंग की भक्ति बाहर प्रकट हो जाना, अनुराग आदि प्रकट हो जाना, इसका नाम क्या? प्रमोदित हो जाओ। क्लिष्टेषु जीवेषु दया कृपा परत्वम। जो व्यक्ति दुखी है, असाधा वेदनी कर्म का उदय है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से कर्मों के उदय से, ऐसे दुखी व्यक्तियों के प्रति दया और करुणा और वात्सल का भाव आ जाना। और यह भी सम्यक दृष्टि का कर्म निर्जरा का कारण है। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ अमित गति आचार्य सामायिक पाठ में कहते हैं कि जो सम्यक्त से रहित हैं, धर्म के विरुद्ध हैं, आगम के विरुद्ध हैं, गुरु के विरुद्ध हैं, उनके प्रति भी माध्यस्थ भाव, ना राग द्वेष से रहित जो अवस्था है उसका नाम है माध्यस्थ भाव, ना अच्छा ना बुरा, ऐसे जो माध्यस्थ परिणाम रखता है